Hello, friends and my students. Today I am going to explain the second question of NCRT textbook of class 9th of history of chapter 1. And the name of the chapter is The French Revolution. This is the name of the chapter, and I am going to explain question number 2. Question number 2 Which groups of French society benefited from the revolution? Which groups were forced to relinquish power? Which Sections of the society would have been disappointed with the outcome of the revolution. And the answer is the people of the third state of the French society were benefited from the revolution of 1789. This group consisted of the common people who were numbered about 95% of the total population. The peasants were the largest section of the third state. A major result of the revolution was the destruction of feudalism in France. The people of the lower middle classes of French society were also benefited from the revolution. The position of the artisans and city workers also improved later on in 1792 for the first time in history workers peasants and other non property classes were given equal political rights the group of nobles was adversely affected by the french revolution their all privileges were finished clergy or group of persons invested with special functions in the church was also forced To relinquish power. Now, I am going to explain the question in Hindi also. The question two: Which groups of French society benefited from the revolution? French society ka yani France society जो है, France का जो समाज है, उस समाज का ऐसा कौन सा समूह था, जिसे France की क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा? इसी question में आगे पूछा गया है कि विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रेलिंग पावर और फ्रांस की सोसाइटी का ऐसा कौन सा समूह था जिसकी सत्ता जिसे अपनी सत्ता को छोड़ना पड़ा जिसे अपनी सत्ता को त्यागना पड़ा और इसी क्वेश्चन में आगे यह भी पूछा है कि विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव है आउटकम ऑफ द रेवल्यूशन और फ्रेंच की सोसाइटी का ऐसा कौन सा सेक्शन है फ्रांस के समाज का ऐसा कौन सा विभाग है जिससे फ्रांस की क्रांति के, के परिणाम से सबसे ज्यादा निराशा पहुंची तो ये बातें आपसे पूछी गई हैं तो आंसर है द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वर बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन ऑफ 1789. 1789 का जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन हुआ उस फ्रेंच के रेवोल्यूशन से जो फ्रेंच का जो थर्ड स्टेट था फ्रेंच की सोसाइटी तीन स्टेट्स में डिवाइड थी फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट लेकिन जो ये थर्ड स्टेट था फ्रेंच की सोसाइटी का थर्ड स्टेट इस थर्ड स्टेट को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ थर्ड स्टेट को सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचा दिस ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ द कॉमन पीपल हु वर नंबर्ड अबाउट 95 परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इस थर्ड स्टेट में इस थर्ड स्टेट में पूरी पॉपुलेशन फ्रेंच की जो पूरी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन का 95 परसेंट पार्ट थर्ड स्टेट्स में शामिल था थर्ड स्टेट्स में इंक्लूड था ठीक है द पीसेंट्स वर द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द थर्ड स्टेट्स और थर्ड स्टेट्स का जो सबसे बड़ा एक विभाग था सबसे बड़ा जो एक दल था सबसे बड़ा एक ग्रुप था वो था पीसेंट्स पीसेंट्स सबसे ज्यादा थर्ड स्टेट में समाए हुए थे अ मेजर रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म इन फ्रांस ये जो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ जिसे फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है तो फ्रांस की इस क्रांति से जो किसी चीज का डिस्ट्रक्शन हुआ किसी चीज का विनाश हुआ तो वो थी फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद फ्रांस से सामंतवाद की जो प्रथा थी वो नष्ट हो गई फ्रेंच की रेवोल्यूशन से फ्रेंच रेवल्यूशन से उसकी जो सामंतवाद की प्रथा थी जिसे कहते हैं फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म का सिस्टम खत्म हो गया फिर बोला गया पीपल ऑफ द लोअर मिडिल क्लासेस ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वो बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी का जो लोअर मिडिल क्लास था लोअर मिडिल क्लास उसको भी फ्रेंच के रेवोल्यूशन से फ्रांस की क्रांति से काफी फायदा पहुंचा फिर द पोजिशन ऑफ द वर्कर्स आर्टिसम्प्रूव लेटर ऑन बाद में जो आर्टिस वगैरह थे कलाकार वगैरह थे चित्रकार हो गए पेंटर हो गए और किसी दूसरे टाइप के मूर्तिकार हो गए जो आर्टिसंस थे, गए गए थे। गए और सिटी वर्कर्स और शहर में काम करने वाले जो लोग थे उनकी स्थिति में भी काफ़ी सुधार आया इन 1792, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 1792 में इतिहास में पहली बार वर्कर्स को पीसेंट्स वर्कर्स पीसेंट्स एंड अदर नॉन प्रॉपर्टीड क्लासेस वर गिवन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स तो इतिहास में पहली बार 1792 को वर्कर्स को पीसेंट्स को और दूसरे जिन ऐसी क्लासेस जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं थी उनको भी बराबर बराबर पॉलिटिकल राइट्स यानी राजनीतिक अधिकार दिए गए द ग्रुप ऑफ नोबल्स वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द फ्रेंच ये जो फ्रेंच की क्रांति हुई यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई फ्रांस की क्रांति से जो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा वो किस पे पड़ा नोबल्स पे नोबल्स नोबल्स लोगों पे सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा जो काफी धनी वर्ग था जिनकी लाइफ स्टाइल काफी महंगी थी तो उन लोगों पे काफी बुरा प्रभाव पड़ा आगे बोला गया देर ऑल प्रिविलेजेस वर्फ फिनिश्ड ये नोबल्स लोग थे इनकी जो भी प्रिविलेजेस थी जो प्रिविलेजेस इनको मिली हुई थी जन्म से कि भाई कई इस टाइप की प्रिविलेजेस थी कि बर्थ से प्रिविलेजेस थी मान लो जैसे राजा का बेटा राजा होगा एक राजा के घर जो पैदा हुआ तो उसके यहाँ जो संतान है वो बड़ी होके वो उसकी गद्दी संभालेगी और वो हट जाएगा इस टाइप से जो सिस्टम बना हुआ था वो सिस्टम समाप्त हो गया उनकी सभी टाइप की प्रिविलेज समाप्त हो गई बर्थ से जो प्रिविलेज मिली हुई थी और और स्पेशल फंक्शन इन द चर्च वॉज ऑल्सो फोर्स टू रैलिंग पावर चर्च में धर्म के कामों को करने वाले जो सर्वोच्च पदों पे होते हैं वो क्लजी होते हैं तो क्लर्जी लोगों का और ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन चर्च चर्च में वो लोग जो स्पेशल फंक्शन खास खास कामों को किया करते थे उन लोगों के भी जो ताकत थी मतलब उनकी भी जो एक उनको पावर मिली हुई थी वो पावर भी उन्हें अपनी पावर को त्यागना पड़ा उन्हें भी अपनी पावर को त्यागना पड़ा तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब the channel ar study circle then please subscribe this channel thanks thanks for watching this video